क्यों कहता हूं सर, क्योंकि जब जब आप कम कम क्वांटिटी में किसी शेयरों को लेते हो तो वहां पर प्रॉफिट आ जाता है, लेकिन शेयर मार्केट में पैसे डालने से ज्यादा कम पैसे डालकर प्रॉफिट निकालने पर ध्यान केंद्रित कीजिए। ये मैं क्यों कहता हूं सर, क्योंकि जब जब आप कम कम क्वांटिटी में किसी शेयरों को लेते हो तो वहां पर प्रॉफिट आ जाता है, लेकिन जब उसी चीज़ को आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो तो वहां पर प्रॉफिट आना 90% कम हो जाता है। जब हमारा ज़्यादा पैसा शेयर मार्केट में लग जाता है तो हमारी साइकोलॉजी उस पर डिपेंड हो जाती है। जब उसमें लॉस हमें दिखता है तो वो ज़्यादा गंभीरताओं के साथ हमें लॉस दिखता है, और अगर आपके पास कम पैसा लगा होता तो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसके अंदर टेंशन ना होती। आप सोचते हो भाई बाद में मैं इसको एवरेज कर लूँगा। तो थोड़े थोड़े किसी भी शेयर को लेना शुरू कीजिए, एकदम से किसी भी शेयर को ज़्यादा मत लीजिए, और डालने से ज़्यादा पैसे को निकालने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और मैं वैसे ही करता हूँ सर, मैंने कभी भी इतना ज़्यादा पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगाया, बल्कि मैंने समय समय पर अपने प्रॉफिट की विशेषताओं को भी ध्यान में केंद्रित रख कर, चाहे कम आ रहा है प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, देखा है। क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कि जिसके शेयरों में अब जो है पोर्टफोलियो वो लाल ना हो, सबका होता है। पर उस सिचुएशन से जीतने के इरादे आपको अधिकतर शेयरों को खरीद कर ही आएंगे, वरना ऐसे नहीं आएंगे कि आप एक ही शेयर पर दाव लगाकर बैठ जाए।